हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज और कल मिला के 2 दिन में इतने नोटिस वायरल हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने कल उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही फेक नोटिस वायरल कर रहा हूँ। कल NTPC रिजल्ट को लेकर एक नोटिस वायरल किया गया, और आपको मालूम है कुछ यूट्यूबर्स खुद वायरल करते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई टॉपिक नहीं रहता है तो ये नोटिस वायरल करके आपको परेशान करते हैं। बाकी कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि 10 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अरे भाई, हलवा थोड़ी ना, ये रेलवे का एग्ज़ाम है। रेलवे के एग्ज़ाम में रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने के समय लगते हैं, मिनिमम 3 महीना मान के चलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से पहले इम्पॉसिबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर से पहले इम्पॉसिबल है। अभी उससे पहले के एग्ज़ाम्स जो हैं पड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। अभी MI कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आया है। अभी इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। और वैसे भी रेलवे का एक रूल होता है कि जब हम CBT 2 कराएंगे उसके जस्ट पहले CBT 1 का रिजल्ट देंगे। यानी कि CBT 1 का रिजल्ट पहले नहीं दे सकते जब तक CBT 2 पे डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो अभी वैसे भी रिजल्ट उसका नहीं आ सकता है, तो वो बात अलग था। अभी हम ग्रुप डी की बात करें, अब ग्रुप डी पे भी आज कुछ अफवाहें वायरल हो रही हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए जा रहे हैं आप लोगों को, कुछ ईमेल रिप्लाई दिखाए जा रहे हैं, जबकि दोनों में बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और फिर भी आप लोग पकड़ने के बजाय आप लोग उसमें गुमराह हो जाते हैं। आप लोग को लगता है कि हाँ, ये सही बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। जबकि आपको मालूम है, बार बार कहता हूँ कि आपको न कभी ईमेल पर सही जवाब मिलेगा, न ही कॉल रिकॉर्डिंग पर सही जवाब मिलेगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगा ऑफिशियल अपडेट हमेशा RRB के साइट पे ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो आप कभी भी किसी को खुद कॉल करके चेक कर लीजिए, किसी भी RRB को। वो सीधे यही कहेंगे कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप RRB के वेबसाइट पे चेक करते रहें, क्योंकि वो डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, वो डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता है। वो डिसीजन जो होता है मिनिस्ट्री लेती है, ठीक है। मिनिस्ट्री और आपके जो CEO रेलवे के, जो RRB चेयरमैन CEO बोलते हैं उनको भी RRB चेयरमैन बोलते हैं, और बाकी लोग भी RRB के चेयरमैन होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो हेड ऑफ चेयरमैन कहे जाते हैं, जो CEO हैं, ठीक है, जो होते हैं ना चेयरमैन एंड CEO, जो अभी सुनीत शर्मा जी हैं, तो वो क्या है, वो उनको भी चेयरमैन कहते हैं, और जो बोर्ड वाइज चेयरमैन होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो चेयरमैन डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन जो हेड चेयरमैन है या फिर कहें CEO भी जिसके साथ साथ हैं, वो डिसीजन लेते हैं, और मिनिस्ट्री डिसीजन लेती है, यानी कि रेल मंत्रालय डिसीजन लेता है, यानी कि रेल मंत्री डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग किसी भी RRB कॉल करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आप लोग ऐसे गुमराह हो जाते हैं। अब अभी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने देखा, सुना, मैं दो दो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, एक सिकंदराबाद का शायद, एक भुवनेश्वर का है। दोनों में शायद कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, जो मैं बात आपको कई बार बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, शायद ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, और आप साइट चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक ईमेल वायरल हो रहा है फ्रेंड्स, जिसमें दिखाया जा रहा है कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं, और क्या है, एग्ज़ाम डेट जल्द से घोषित करने वाले। तो बस यहीं से बस फ्रेंड्स फेक की शुरुआत होती है। तो ये फेक रिप्लाई है फ्रेंड्स, ठीक है, ये फेक ईमेल है। और इसको कुछ यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि ट्विटर प्रोटेस्ट के बाद ये रिप्लाई आया है, यानी ट्विटर प्रोटेस्ट हम सही समय किए हैं, जबकि आपको मालूम है ट्विटर की वजह से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। ट्विटर तो आप लोगों ने 10-12 बार कर चुका है कम से कम, ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर इसी 2 महीने के बीच, आपको खुद मालूम है। तो ट्विटर प्रोटेस्ट के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ है, ना कभी होगा कुछ, ठीक है। और मैं उस पर डेट भी दिखा दूंगा कि वो आज या कल का रिप्लाई नहीं है, वो पहले का रिप्लाई है, ठीक है, वो ट्विटर प्रोटेस्ट से पहले का रिप्लाई है। ये बस दिखाया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। अगर आप उस पर डेट चेक किया तो खुद पता चलता है कब का रिप्लाई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं ईमेल रिप्लाई आपको दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी मालूम है फ्रेंड्स कि अभी ग्रुप डी पे कोर्ट केस चल रहा है, एक नया कोर्ट केस फाइल हो गया, मतलब उसकी जो पहली हियरिंग है 8 तारीख को होने वाली है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है वो अलग मैटर है, अब देखिए वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सही आदत नहीं है, मतलब जो भी हो लो, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो ये गलत है। अब आप लोग पूछेंगे कोर्ट केस कहाँ, मुझे नहीं मालूम, चलो मैं भी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ कि कोर्ट केस का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। तो अरे भाई, आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं वो लुटेरा ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप केस नहीं किया है, उस ग्रुप के पास अभी पैसे कम पड़ गए हैं, और यह नया ग्रुप कोई तैयार हुआ है जो केस किया है, ठीक है। वो लुटेरा ग्रुप अभी पैसा आपसे मांग रहा है, अभी पिछले बार 80 से 1 लाख पैसा मांगा, रुपये मांगा, और अभी तक उसको कोई कन्फर्मेशन नहीं, वो पैसा गया तो कहाँ गया, ठीक है। आप लोगों ने 80 से 1 लाख रुपये कम से कम दिया था किसी एक बंदे को, अब वो बंदा और वकील शायद मिलकर पैसा खा गए, दोनों मिलकर, फिर कोई एक खाए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो पैसा लुट गया, और अभी भी पैसे की कमी बताई जा रही है उस ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ग्रुप से जुड़ेंगे तो यही आपके साथ होगा, लेकिन वहाँ केस हुआ है, किसी दूसरे ने किया है, उन ग्रुप ने नहीं किया है, ठीक है। तो केस तो हो ही चुका है, जो हियरिंग होने वाली है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हम एग्ज़ाम डेट की जो बात कर रहे हैं, तो यूट्यूबर्स जो अफवाह फैला रहे हैं वो काफ़ी गलत है, इससे आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ डेट वगैरह, ये देखिए, प्लीज़ प्रोवाइड अस एग्ज़ाम कैलेंडर, ये देख रहे हैं 31 अगस्त का मेल है, ठीक है, और यहाँ नीचे यस्टरडे लिखा गया है रिप्लाई में। अब आप समझ सकते हैं यस्टरडे कब का स्क्रीनशॉट कब का लिया गया, ये आप नहीं जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जो मतलब ईमेल करते हैं आपको 1-2 घंटे में रिप्लाई मिल जाता है,
और आपको मालूम है कि अगर 24 घंटा पूरा नहीं हुआ रहता पिछले डेट का, तो उस पर डेट नहीं लिखता है, मतलब कि डेट नहीं आवर्स लिखता है, इतने आवर्स एगो या फिर ऐसे टाइम वगैरह लिख देगा। और अगर जस्ट एक दिन पहले होता है तो यस्टरडे लिख देता है। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन फ्रेंड्स, कि ये हो सकता है कि मान लीजिए 31 को सुबह मेल किया गया हो आपको यहाँ पर, ठीक है, और 31 को शाम तक रिप्लाई आया हो, और क्या हुआ हो 1 तारीख को दोपहर में ये स्क्रीनशॉट लिया गया हो, लेकर रख लिया गया हो और आज वायरल किया गया हो, ठीक है। 1 तारीख के दोपहर में, बताऊँ कैसे समझा रहा हूँ, 1 तारीख के दोपहर में जब लिया गया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल स्टडी दिखाएगा, यहाँ पे डेट नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। और रिप्लाई ये पुराना है, और मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ, आगे देखते क्या लिखा हुआ। RRB SBC यहाँ क्या लिखा है, डियर कैंडिडेट व्हाइल वी एक्नॉलेज योर एंग्जाइटी, एंग्जाइटी वगैरह वो क्यों देखने आएंगे, उनका क्या जाता है, ठीक है। व्हाइल वी एक्नॉलेज योर एंग्जाइटी ऑन डिले इन कंडक्टिंग द एग्जाम्स अगेंस्ट नोटिफाइड पोस्ट, यू मे ऑल्सो नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। फाइनलाइजिंग ऑफ एग्जाम डेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट पेंडेमिक सीनेरियो, कीपिंग इन व्यू द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स। अब आपको हम बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनलाइजिंग ऑफ एग्ज़ाम डेट्स पे एग्ज़ाम का जो ई है वो कैपिटल लेटर में है। कोई ऑफिशियल रिप्लाई करेगा तो इतना गलत नहीं लिखेगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग बारीकी से ध्यान दिया करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ उनसे रिप्लाई, अगर उनका रिप्लाई भी आता सेम आता सभी का, सेम वही आएगा कि आप RRB के साइट को चेक करते रहे। आप किसी भी डिपार्टमेंट को मेल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, वो यही कहते हैं कि आप साइट चेक करते रहे, साइट चेक करते, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए एग्जाम्स का ई जो है कैपिटल लिखा गया है। अब आगे क्या, सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स, आगे कह रही है हैंस द डिले, ये क्या होता है एक लाइन में, हैंस द डिले, इसलिए डिले हो रहा है भाई, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हैंस द डिले, ये आपको लग रहा है कोई सेंटेंस है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है, बस कुछ भी कोई भी लिख दिया बस हो गया। आगे क्या लिखा, हाउएवर द एग्जाम डेट्स ऑफ RRCCEN 01/2019 फॉर लेवल एंड पोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग, वर्ज ऑफ फाइनलाइजिंग, वाह क्या वर्ड यूज़ किया गया, फाइनलाइज किया जा रहा है, यानी कि लग रहा है यही लोग घर बैठ के फाइनलाइज कर रहे हैं, यही RRB बैंगलोर, अगर कहा से बैंगलोर का है तो बैंगलोर वाले ही फाइनलाइज कर रहे हैं, और बाकी जो पूरी मिनिस्ट्री बड़ी बैठी हुई है उसे पता ही नहीं कि हम डेट पे वर्क भी कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है अभी स्क्रूटनी चल रहा है फॉर्म का, अभी डेट वगैरह नहीं आ सकता है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। अभी स्क्रूटनी के बाद वो रिजेक्ट करते एक्सेप्ट करते हैं उनके हाथ में है, और अभी कोर्ट केस भी चल रहा है वो अलग मैटर है, तो अभी डेट वगैरह का कोई चांस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ क्या स्टे भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं ना वर्ड्स ऑफ फाइनलाइजिंग, ये बिल्कुल गलत है। द सेम विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB। अब आप बताइए फ्रेंड्स, इन द वेबसाइट होता है कि ऑन द वेबसाइट्स होता है, आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, इन द होता है कि ऑन द होता है, ऑन द वेबसाइट होता है ना, यहाँ पे इन द लिखा गया है, आप खुद समझ सकते हैं कि ऑफिशियल रिप्लाई है या अनऑफिशियल रिप्लाई है। अब कुछ लोग क्या होगा, बिना पूरा वीडियो देखे मुझे ही ब्लेम करने लगेंगे, कहेंगे तुम ही गलत फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल रिप्लाई नहीं है, ये फेक रिप्लाई है, आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखा है कीप वॉचिंग वेबसाइट www.rrbbnc.gov.in फॉर एविट्स, आगे क्या है RRB बैंगलोर, ऐसा दिखाया जा रहा है बैंगलोर का रिप्लाई है, तो फ्रेंड्स ये सब बिल्कुल फेक है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स कि जो एग्ज़ाम है आपका वो अब SSC MTS के बाद ही होगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। कुछ लोग अभी ये भी अफवाह फैला रहे थे ना कि NSEIT एग्ज़ाम करा रहा है, लेकिन मैं इकलौता आपसे शुरू से कह रहा हूँ एग्ज़ाम जो है आपका TCS ही कराएगा, ठीक है। ये लोग अफवाह फैला रहे थे कि MTS के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप लोग के सामने है फ्रेंड्स सच्चाई। अभी तक अगर एग्ज़ाम होना होता तो अब तक नोटिस आ गया होता, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम TCS ही कराने वाला है, और TCS जब बिजी है तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।